हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अजीत है और आज हम रिव्यू करेंगे रियलमी के इस 32 इंच स्मार्ट एलईडी टीवी का, जो कि ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे सेल होता है 14,000 रुपये की कीमत पे। तो आइए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं बॉक्स कंटेंट। ये छोटा सा इसका रिमोट है, ये इसका टेबल माउंट है, और ये हमारा ये दो बैटरीज दी गई हैं, एक यूज़र मैनुअल है और कुछ स्क्रूज दिए गए हैं इस माउंट को इसमें लगाने के लिए। तो ये सारे कंटेंट हैं जो हमको इस बॉक्स में मिलते हैं। ये इसका स्टैंड है, इसमें राइट लेफ्ट लिखा हुआ है, ये लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला है। ये कुछ इस तरह से छोटा सा रिमोट दिया गया है जिसमें ऊपर की तरफ रियलमी लिखा हुआ है और बहुत क्यूट सा रिमोट है, छोटा सा। पीछे इसमें डिज़ाइन बाय रियलमी लिखा हुआ है, सामने इसके इंफ्रारेड लेंस हैं और ये दो बैटरीज दी गई हैं, निप्पो की हैं। और ये हमारा मेन टीवी, इसमें नीचे की तरफ पावर बटन दिया हुआ है, केवल इसमें एक ही बटन दिखा मुझे अभी तक, जो कि पावर का बटन है। और नीचे की तरफ इसमें चार स्पीकर दिए गए हैं, एक साइड में दो स्पीकर हैं और वैसा ही दूसरे तरफ है। इसमें डॉल्बी का सपोर्ट मिलता है, 24 वाट का इसमें स्पीकर लगाया गया है। इंस्टॉल करके हम इसको देखेंगे कि इसका साउंड आउटपुट कैसा है। आइए इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखते हैं। यह एक 32 इंच का स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी है, जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 9 पाई के ऊपर। इसका वजन 3.6 kg दिया गया है। इसमें 1 GB की रैम और 8 GB की रोम दी गई है, जिसमें आपको 4.6 GB अवेलेबल मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें मीडियाटेक का क्वाड कोर 6883 दिया गया है। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग के लिए इसमें माली 470 MP3 का इस्तेमाल किया गया है। इसमें आपको वाईफाई का सपोर्ट भी मिल जाएगा। यह एक HD रेडी टीवी है, जिसमें आप 720p तक के वीडियोज़ देख सकते हैं। ब्राइटनेस की बात करें तो इसमें 400 निट्स का ब्राइटनेस दिया गया है, जो कि एक काफ़ी ब्राइटर डिस्प्ले होता है। अच्छी पिक्चर क्वालिटी के लिए इसमें क्रोमा बूस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस टीवी का रिफ्रेश रेट 60 Hz दिया गया है। पावर कंजप्शन इस टीवी का स्टैंड बाई मोड में, यानी कि जब आप टीवी को यूज़ ना करें, केवल ऑन रहे ऊपर से, तो ये 0.5 वाट कंज्यूम करेगा और चालू में ये 45 वाट तक की पावर कंज्यूम करेगा। साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसमें 24 वाट के 4 स्पीकर दिए गए हैं, जिसमें कि 2 ट्वीटर दिए गए हैं। इसमें डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। एक्स्ट्रा इनपुट कनेक्टिविटी के लिए इसमें 3 HDMI पोर्ट और 2 USB के पोर्ट दिए गए हैं। फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का इंटरफेस हमको फर्स्ट बूट पे देखने को मिलता है। ये सबसे ऊपर कॉर्नर में गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप स्पीक करके कमांड दे सकते हैं। यहाँ टाइप करने का ऑप्शन दिया है, ये इनपुट का ऑप्शन है कि आप कहाँ से इनपुट लेना चाहते हैं, चैनल HDMI, HDMI 2, HDMI 3 या AV केबल से। ये उसके बगल में वाईफाई का ऑप्शन है, यहाँ से आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं अपने टीवी को। और यहाँ पर सेटिंग दी गई है। ये इसका रिमोट है, ऊपर की तरफ इसमें पावर का बटन है, ये म्यूट का बटन है, ये नेविगेट करने के लिए है, अप डाउन लेफ्ट राइट, और ये बीच में सेलेक्ट करने के लिए। ये बैक का बटन है, ये होम का, ये अदर ऑप्शंस के लिए है। ये कुछ ऐप्स के शॉर्टकट दिए गए हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब
और प्राइम वीडियो का, ये इनपुट के लिए है और ये वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए है, और ये आपका गूगल असिस्टेंट के लिए है। और ये आप जो रिमोट देख रहे हैं ये एक ब्लूटूथ रिमोट है, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कनेक्टेड है या नहीं। तो अभी हम होम पे जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे देखेंगे कि आपका रिमोट कनेक्टेड है। आपको यहाँ से सेटिंग में जाना है, नीचे आप सबसे नीचे देख पा रहे हो रिमोट एंड ऐसी सीरीज लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे रियलमी का जो रिमोट है वो कनेक्टेड लिखा आ रहा है। इट मीन्स कि ये जो डिवाइस है, ये जो हमारा रिमोट है, ये कनेक्टेड है। जो आपको मेन सेटिंग देखने को मिलेगी वो इसी के अंदर देखने को मिलेगी। आपको सेटिंग के अंदर डिवाइस प्रेफरेंसेस में जाना है, इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अबाउट दिख रहा होगा ऊपर में, सिस्टम अपडेट का ऑप्शन है, डिवाइस नेम और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। यहाँ पे आप डेट टाइम सेट कर सकते हैं, ये टाइमर का ऑप्शन है, लैंग्वेज है, कीबोर्ड है, इनपुट है कि आपको कहाँ से मीडिया प्ले करना है, पावर का ऑप्शन है, आप इसमें स्लिप टाइमर वगैरह सेट कर सकते हैं, पिक्चर है यहाँ पे, आप यहाँ पे बैक लाइट वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, ब्राइटनेस बड़ा घटा सकते हैं, शार्पनेस वगैरह की सेटिंग दी गई है यहाँ पे, साउंड की सेटिंग ये दी गई है, सिस्टम साउंड को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे अभी मैं इसको ऑफ कर दिया हूँ तो ये सिस्टम का साउंड ऑफ हो गया है, यहाँ से ऑन करने पे सिस्टम का साउंड ऑन हो गया है। ये डॉल्बी एटमोस की सेटिंग है, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, साउंड मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं, गेम मूवी म्यूजिक अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ये लास्ट में रीसेट टू डिफॉल्ट का ऑप्शन है। सेटिंग के अंदर जो थर्ड ऑप्शन है ये अकाउंट एंड साइन इन का ऑप्शन है, यहाँ आप अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर सकते हैं, और ये ऐप्स का ऑप्शन है, इसमें आपको सारे ऐप्स जो इंस्टॉल्ड है वो दिखाई देंगे। नीचे की तरफ ऑल ऐप्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको सारे इंस्टॉल्ड ऐप्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आप चाहें तो प्ले स्टोर से और ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ये सारे ऐप्स यहाँ पे आपको स्लाइडर में देखने को मिलेंगे। चलिए इसको वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, यहाँ मैं इसको अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ, ये मैंने इसको वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है। जैसे आप इसको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं ये सारे कंटेंट आपको इंटरनेट के थ्रू देखने को मिलते हैं। आइए मैं इसका ऑडियो वीडियो सैंपल आपको देता हूँ, यूट्यूब ओपन कर लेते हैं, यहाँ लेफ्ट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ कीबोर्ड से आप टाइप करके सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये छोटा सा रिव्यू था इस रियल मी एंड्रॉयड टीवी का,
14,000 के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इसकी बिल्ड क्वालिटी एवरेज है, उतनी अच्छी तो नहीं है, 3 kg के आसपास ये पूरा टीवी है। बट जिस हिसाब से ये काम करता है ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा। इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी है, और 14,000 के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। नो डाउट ये आज के डेट में मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट है।